हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त अगर उनका सामान प्लेटफॉर्म पर छूट जाए तो क्या हम ट्रेन में चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, इसके बारे में हर किसी को पता होना जरूरी है, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ट्रेन में चेन पुलिंग ट्रेन को किसी इमरजेंसी कंडीशन में यात्रियों के द्वारा ट्रेन को रोकने के लिए दिया गया है, लेकिन इसे अप्लाई करने के बहुत सारे रूल और रेगुलेशन हैं। रेलवे में चेन पुलिंग करने के लिए एक लीगल इमरजेंसी कंडीशन का होना जरूरी होता है। रेलवे के नियम में सेक्शन 141 में कुछ आपातकालीन स्थिति का उल्लेख किया गया है, जैसे कि ट्रेन में आग लगना या कोई रिलेटिव जो यात्रा के दौरान प्लेटफॉर्म पर छूट गए हों, या किसी मेडिकल इमरजेंसी होने पर, या ट्रेन में कोई ऐसी स्थिति जो यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी हो, जैसे कि चोरी रोबरी होने पर यात्री ट्रेन में चेन पुलिंग कर सकते हैं। लेकिन किसी यात्री का सामान प्लेटफॉर्म पर छूटना इमरजेंसी कंडीशन के अंतर्गत नहीं आता है, और ऐसी कंडीशन में चेन पुलिंग करने पर ट्रेन को रोकना रेलवे के रूल के मुताबिक इलीगल है। इसलिए ऐसा करने पर आपको रेलवे के द्वारा दंडित किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अगर आपके लगेज में कोई ऐसी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं जिसे लेना जरूरी था, इसलिए चेन पुलिंग की गई, तो यह एक जेन्युइन रीजन है और आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात में सच्चाई होनी चाहिए, अदरवाइज आपको सजा दी जाएगी। इसके लिए ₹1,000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, जब ट्रेन में चेन पुलिंग की जाती है तब लोको पायलट 3 कंटिन्यू हॉर्न बजाकर RPF को इन्फॉर्म करते हैं, और जैसे ही कोई पैसेंजर ट्रेन से उतरते हैं तो RPF उन्हें पकड़ लेती है। उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा और आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।